मौत के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई में देर होने की वजह से परिजनों ने अरेस्ट जाम किया। पूरा मामला ममता बाल्मीकि से जुड़ा हुआ है, जहां मौत के बाद पुलिस और जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते देरी हुई पोस्टमार्टम में और उसके बाद परिजनों ने अरेस्ट जाम कराया। आश्वासन पर परिजनों ने जाम खोला है। थाना रक्षण के मोहल्ला नई बस्ती में देर रात युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने NH2 जाम कर दिया। पोस्टमार्टम ना होने पर लगाया जाम। युवती की मौत देर रात खाना खाने के बाद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। मामला थाना दक्षिण के नई बस्ती का है, जहां देर रात 40 वर्षीय ममता बाल्मीकि जो कि खाना खाने के बाद मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जिला अस्पताल में सबको लाया गया और आज सुबह जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो परिजनों ने NH2 जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक रोड जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम का आश्वासन देकर जाम खुलवाया है। परिजन ममता के पोस्टमार्टम के बाद जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आए कि आखिरकार ममता की मौत हुई तो हुई कैसे। उनकी क्या कहते हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सबसे ज्यादा कोतवाल साहब में जहाँ में जिम्मेदार है, क्योंकि उनने घूसखोरी और सबसे ज्यादा भेदभाव वाल्मीकि समाज से करते हैं ये लोग। दबाए इस केस को दबाया जा रहा है। मैं आप लोगों से मीडिया का निवेदन करता हूँ, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कोतवाल को हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि वाल्मीकि समाज से घृणा करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इनके खिलाफ आप तक ऊपर तक पहुँचाए थे कम से कम कोतवाल यहाँ से।